अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरबिया से जुड़ी जो जरूरी अपडेट है वो शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला अपडेट है जो लोग पार्ट टाइम करते हैं उनके लिए। देखिए, सऊदी अरबिया में पार्ट टाइम करना गलत है, इल्लीगल है, ये आपको पता है। क्यों इल्लीगल है ये भी बताऊँगा मैं। उससे पहले मैं आपको मेरे कंपनी का ही फीडबैक बता दे रहा हूँ। मेरे बिल्डिंग से दो तीन बंदों को जो टैक्सी वगैरह धोते थे, वो लोग कोलकाता या फिर बांग्लादेशी थे, उनको सुरता ने पकड़ के सीधा डिपोर्ट कर दिया। ना उनको कंपनी का सेटलमेंट मिला, ना ही रूम में आने को मौका मिला, सीधा भेज दिया। अभी बहुत ज़्यादा चेकिंग है। इसके अलावा मेरा एक दोस्त बता रहा था कि उसका एक फ्रेंड को भी सुरता ने पकड़ा। वो टेक्नीशियन का काम करता था अल अहसा में। सुरता ने पकड़ के सीधा डिपोर्ट कर दिया उसको भी। कई साल से वो काम कर रहा था, 8-10 साल से, उसको कोई सेटलमेंट का हिसाब नहीं मिला। सोचिए कितना बड़ा नुकसान है। इससे पहले के वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ मैं कि हज के टाइम में चेकिंग ज़्यादा रहता है। ये आपको भी पता है, जो लोग पहले से यहाँ पे काम कर रहे, जो पुराने लोग हैं। तो देखिए, इस वीक 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने 15,000 से भी ज़्यादा लोगों को पकड़ा है। जो लोग पार्ट टाइम करते थे उनकी जो तादाद थी इसमें लगभग 2,000 के करीब में, 1876 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो लोग पार्ट टाइम काम करते थे। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने भी कई बार वार्निंग दी है, जो लोग पार्ट टाइम करते हैं उनको भी, जो लोग पार्ट टाइम करवाते हैं जो कफिल या कंपनी, उनको भी। अब पार्ट टाइम जो है एक सीरियस इशू है यहाँ के गवर्नमेंट का। इसमें हुकूमत का भी नुकसान है और जो काम करता पार्ट टाइम उसका भी नुकसान है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। फ़ायदा सिर्फ उसका है जिसका आप लोग पार्ट टाइम काम करते हो, क्योंकि जिनका आप पार्ट टाइम काम करते हो वो ना आपका वर्क परमिट इशू करता है, ना इकामा बनाता है, ना आपको रहने का खर्चा देता है, ना ही इंश्योरेंस वगैरह देता है। खुदा ना करे अगर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर आपको कुछ भी खर्चा नहीं मिलेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके साथ में कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता है। तो ये सीधा सीधा आपका नुकसान है, क्योंकि वो आपको कम सैलरी में पूरा काम लेता है पार्ट टाइम वाले। अगर आप पार्ट टाइम काम नहीं करोगे तो वो बंदे को जिसका पार्ट टाइम काम कर रहे हो उसको एक वर्कर हायर करना पड़ेगा। लीगल तरीके से जावजात में वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उस बंदे को यहाँ पे बुलाएगा। यहाँ पे बुलाने का खर्चा, वीज़ा का खर्चा, इसके बाद इकामा का खर्चा, वर्क परमिट का खर्चा, तो ये सारा खर्चा उसका बच जाता है जिसका आप काम करते हो। तो इस तरीके से नुकसान हो जाता है सीधा सीधा यहाँ की हुकूमत का। इसीलिए पार्ट टाइम काम करना यहाँ पर अलाउड नहीं है। अब इसको लेके यहाँ की हुकूमत ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने भी एक टीम बनाया, अलग से टीम बनाया हुआ है। उनका काम है सिर्फ चेक करना कौन गलत तरीके से काम कर रहे हैं। इसके अलावा सुरता तो चेक करते ही, आप लोग को पता है। तो अभी अगर सुरता भी चेक करेंगे तो आपको दिक्कत है, मिनिस्ट्री का टीम भी अगर आपको चेक करता है पार्ट टाइम काम करते हुए तो दिक्कत है। इसलिए जो भी मेरे भाई पार्ट टाइम वगैरह काम कर रहे हो, आपको अलर्ट रहना होगा। इसके बाद एक अपडेट है सऊदी शहरी को लेकर। एक सऊदी सिटीजन ने अपने रिजॉर्ट में 3 शेर को पाला हुआ था चुपके से। 3 शेर को पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था, ये उनका शौक़ था। जब सुरता को पता चला, सुरता ने उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया। 10 साल की जेल की सज़ा हुई उस बंदे को और 30 मिलियन रियाल का फाइन हुआ। कितना अजब शौक है यहाँ के लोगों का, समझ में नहीं आता है। इसके बाद एक अच्छी अपडेट है काउंसिल ऑफ हेल्थ सऊदी अरबिया की तरफ से। इस वक्त सऊदी अरबिया में जो भी लोग आएंगे सबको हेल्थ इंश्योरेंस करके आना है। हेल्थ इंश्योरेंस को कैसे चेक करना है आज ही मैंने दोपहर में वीडियो बना के आपको बताया है। जो विजिटिंग वीज़ा पे आएंगे, विजिट वीज़ा पे या फिर नए काम के वीज़ा पे आएंगे, उनको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आना लाजमी है। हम लोग जो काम कर रहे हैं सऊदी अरबिया में, जो रेसिडेंट है, इकामा है जिनका, उनका ऑलरेडी इंश्योरेंस रहता है, क्योंकि कंपनी आपका इकामा भी रिन्यू करती है, हेल्थ इंश्योरेंस भी रिन्यू करती है और आपका वर्क परमिट भी रिन्यू करती है। तो अभी जितने भी लोग आएंगे विजिट वीज़ा पे, अगर वो लोग इंश्योरेंस लेके आएंगे, इससे उनको फ़ायदा ये मिलेगा। इमरजेंसी में मान लीजिए अगर आपको ट्रीटमेंट कराना पड़े तो आप 1 लाख रियाल तक का ट्रीटमेंट करवा सकते हो उस इंश्योरेंस पॉलिसी से। इसके अलावा काउंसिल ऑफ हेल्थ ने ये भी बताया है कि जो लोग प्रेग्नेंट होंगे, इनकेस अगर आप प्रेग्नेंट हो, यहीं पर डिलीवरी करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में भी आप 5,000 रियाल तक का ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है। वीडियो को शेयर करके तमाम लोगों को जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।